अरे क्या बना रही हो? आज मैं येलो येलो पोहा अरे ये तो चूरा भाई जो बाबा लाते थे मेरे गांव में। बना रही हूँ। अरे आज मैं मस्त रेसिपी बना हाँ, जरूर, पेट में चूहे दौड़ रहे, जल्दी बनाओ। दूँ पोहे की। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, जिसे चूरा भी बोलते हैं, जो दिवाली में मिलता है, बच जाता है, या करवा में हम इसका यूज करते हैं। हम इसको दो पानी से वाश कर लेंगे इस प्रकार से, और एक बाउल लेंगे, इस प्रकार से इसका पानी निकाल लेंगे, दो तीन पानी से वाश कर देंगे, जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाए। इस प्रकार से हमने तीन पानी से वाश कर लिया है। इसको भिगो के नहीं रखना है ना, नहीं तो चूरा बिल्कुल से फूल जाएगा और बहुत बेकार पोहा बनेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से छन्नी की सहायता से आप रख दें, जिससे इसमें का जो भी बचा पानी हो वो सारा निकल जाए। अब एक हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम मूंगफली डाल देंगे थोड़ी सी, 50 ग्राम के करीब, और डाल के इसको स्लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। जैसे ही हमारी मूंगफली चटकने लगेगी, दो भागों में होने लगेगी, वैसे ही हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम सरसों के कुछ दाने डालेंगे, ऑयल हमारा पहले से गर्म है। प्याज डालेंगे, प्याज डाल के फटाफट भून देंगे। अब हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची जैसे हमारी पक जाएगी, आलू डाल देंगे, आलू को हमको गोल्डन होने तक भूनना है, हल्का सा, जैसे ही रेड होने लगे, प्यारा सा कलर आ जाए, तब तक हम आलू को भूनेंगे। और आलू हमारा पक भी जाना चाहिए, क्योंकि हम बाद में नहीं पका पाएंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक भी देंगे। गैस की फ्लेम स्लो करके हमको थोड़ी देर के लिए ढक देना होगा। जैसे ही हमारा आलू पक जाएगा, हम इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे। इस प्रकार से पोहा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम मीठी नीम की कुछ पत्तियाँ डालेंगे, पहले भी डाल सकते थे, और हरी धनिया डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठी नीम की पत्ती का पोहा में। अब हम हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। आलू हमारा पक गया है, अभी इसी स्टेज पे हमको इसमें नमक और सब कुछ डाल देना होगा, चाहे तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन हमको अभी डालना है। आलू और सब कुछ पका लेना है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, आलू हमारी पक चुकी है। अब हमको इसमें स्वाद अनुसार करीब 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डालना होगा। एक चम्मच हम शक्कर डालेंगे, अगर बड़ा चम्मच डाल रहे हैं तो 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, छोटा चम्मच डाल रहे हैं तो 2 चम्मच से, और नींबू का रस मैंने डाल दिया है।
एक बड़ा चम्मच के हिसाब से। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस प्रकार से पोहा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। सब डाल के हम 3-4 मिनट तक और पकाएंगे आलू को। आलू हमारी पूरी पक जानी चाहिए, हमको स्पून की सहायता से चेक करके देख लेना होगा। आलू हमारा पक गया है। अब हम चीरा को डालेंगे यानी पोहा को। इसमें से सारा पानी निकल चुका है, डालकर हम हल्के हाथों से अच्छे से चला लेंगे स्पून या किसी चीज़ की सहायता से। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। अब हम मूंगफली डाल देंगे। थोड़ी सी करी का पत्ता डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। सब डालकर हमको प्यार से चला लेना है इसको। इस प्रकार से एक बार पोहा ज़रूर बनाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये नाश्ता मॉर्निंग में बहुत हेल्दी होता है और नुकसान भी नहीं करता है किसी को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार से एक बार ज़रूर बनाएं। इसको अच्छे से चला लेना है। आप देख सकते हो हमारा पोहा बन के रेडी है, बहुत ही खिला खिला, बहुत ही अच्छा। अब एक हम छोटी सी प्लेट लेंगे, उसमें हम पोहे को सर्व कर देंगे।